हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गौतम इस रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए कुछ मज़ेदार और टेस्टी चटपटा रेसिपी लेके आई हूँ, जिस कच्चे आम की चटनी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, कच्चे आम लिए है दो, उसको अच्छे तरीके से पील करके स्लाइसेस में कट करके मैंने साइड में रख दिया है। अब हम लेने वाले हैं एक मिक्सर का जार, उसमें हम ऐड करेंगे जो स्लाइसेस करके रखा हुआ था आम कच्चा, वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें बारी आती है कोकोनट की। मैंने यहाँ पर ड्राई कोकोनट लिया है, हाफ जो टुकड़ा होता है वो लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें गीला नारियल भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी स्वाद बढ़ जाता है। अब हमें हरी मिर्च लेनी है, लगभग मैंने 7 से 8 जो है हरी मिर्च ली है। अब इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, मैंने यहाँ पर 2 से 3 पत्ते ही ऐड किए हैं। ज़्यादा अगर डालोगे तो इसमें फ्लेवर जो है करी पत्ते का ज़्यादा बढ़ जाएगा। लहसुन हमें 7 से 8 कलियाँ लेनी है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लिया है, हरा धनिया लेना है आपको, और इसको अच्छे तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर एक पतीला रखा है, उसमें 1 चम्मच तेल, और तेल गर्म होते ही मैंने इसमें मस्टर्ड सीड जो है राई के दाने इसमें 1 चम्मच लिए हैं, लगभग छोटे चम्मच मैंने 2 डाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर दीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा तेल भी तप चुका है और अच्छे तरीके से राई भी भून चुके हैं। देखिए कैसे तड़ तड़ करके उड़ रहे। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था चटनी का, कच्चे चटनी, इसमें हम ऐड करेंगे। तो तड़का भी तैयार हो चुका है। इस तरीके से अच्छे से चम्मच से घुमाते हुए इसको मिला लेंगे, और इसका कलर जो है और ब्राइट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 1/4 चम्मच ही हमें इसमें ऐड करना है, ताकि जो कलर है और भी ज़्यादा निखर के आए। हल्दी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लगभग 1/2 चम्मच जो है नमक। नमक मिलाते ही इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा धनिया मैं ऊपर से इसको ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि धूप के टाइम पे खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, और खाना बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो खाने के साथ इस तरह से चटनी अगर आप चटपटी बनाओगे तो आप भी खाना जो है उंगलियां चाट चाट कर खा लोगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस तरह से जो है रेसिपी मैंने बताई है, इजी ट्रिक में बताई है। अगर आप चाहो तो ये फॉलो करके आप भी ज़रूर ट्राई करना, और बताना कि ये रेसिपी कैसे बनी थी, क्योंकि बहुत ईजी वे में मैंने आपको ये रेसिपी जो है शेयर की है। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट का इस्तेमाल इसलिए किया है कि फ्लेवर में ज़्यादा और बढ़ जाती है, और कच्चे आम की कैरी की अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा खट्टापन आ जाता है, इसलिए मैंने कोकोनट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। लगभग हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से घुमाते हुए पकाना है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अगर आप इसको पतला खाना नहीं पसंद करते हो तो इसको थिक भी आप ग्राइंड कर सकते हो, कोई बात नहीं। चटनी अगर आप बनाना चाहते हो तो बिना तड़के की भी आप बहुत बढ़िया तरीके से खा सकते हो, लेकिन कैसा होता है कि बिना तड़के की आप चटनी अगर बना के रखते हो तो तुरंत ख़राब होने लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा तड़का लगाकर अच्छे तरीके से पकाकर इसको स्टोर कर सकते हो। आप 2 से 3 दिन भी आप ये चटनी जो है रख कर आराम से खा सकते हो। हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और ऊपर से एक थोड़ा सा तड़का इसको और लगा लेंगे। दाल चावल के साथ अगर आप अचार या पापड़ खाते हो तो ये चटनी बनाकर आज ज़रूर सर्व कीजिएगा। आपके परिवार के जो भी मेंबर है वो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये चटनी जो है बहुत मज़ेदार बनी थी। आई होप दोस्तों आपको भी ये चटनी बहुत पसंद आने वाली है, कि मैंने इसको इजी वे में आपको बताया है, कोई ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। आप भी घर में ये जो है इसी तरीके से खा सकते हो। कोई अगर एक रोटी खाता है तो उसके बजाय 2 से 3 रोटी जो है खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये चटनी जो है बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा और तड़का लगा लिया है। एक मिर्च ली है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च, जिसके वजह से और भी थोड़ा फ्लेवर जो है बढ़ जाता है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा लिया है। तो आज की हमारी रेसिपी जो है कच्चे आम की मज़ेदार चटपटी स्पाइसी रिफ्रेशिंग चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।